उन्होंने कहा कि ये देशभक्ति वाली बात है, तो हम लोग आतंकवादी हैं क्या? रोड पे हम लोग को कोई खाना दे के जा रहा है, हमें कितना बुरा लगता है, भिखारी जैसी हालत बना दी उन लोगों ने हमारी। रो नहीं बेटा। एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, यार कुछ भी नहीं है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। शांत हो जाइए, अपनी बात तो कहिए, आपकी बात सुनने के लिए तो है यहाँ पे। रो मत, पहले बात कर। आप देख रहे हैं द जनता लाइव, मैं हूँ आपके साथ नलिनी, और नज़ारा INA में स्थित DDA मुख्यालय का है। मेरे पीछे आप ये जनसैलाब देख सकते हैं, ये वही लोग हैं जिनकी झुग्गी झोपड़ी सरकार ने इलीगल कह के तोड़वा दी, या यूँ कहें कि बुलडोज़र चलवा दिया। अब ये लोग सड़कों पर आने को मजबूर हैं, लगातार सरकार से विस्थापन की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे लिए एक ऐसी जगह तो मुहैया कराइए जहाँ हम रह सकें सुकून से। साथ ही बेहद नाराज़ हैं केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से। इनकी नाराज़गी साफ तौर पर जाहिर है जिस तरीके से ये आज यहाँ DDA मुख्यालय का घेराव कर रहे हैं। तो आम जन लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर किस तरीके की परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है, तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम वर्षा है। क्यों आए हो आप यहाँ पे? और हमारा घर वापसी दो, हमारा घर पुनर्वास चाहिए हमें, हमारा घर उन्होंने तोड़ दिया, पुनर्वास दो हमें। तो अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? हम अभी सड़क पे रहते हैं। और कहाँ रहते हैं? सड़क पे रहते हैं। और क्या, वहाँ पे नहाते हैं, पाँच रुपये 10 रुपये दे के फिर आ जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, इधर चले जाते उधर चले जाते, घूम लेते हैं। और क्या करेंगे, पढ़ाई वढ़ाई सब छूट ही गया है। पढ़ाई वढ़ाई छूट गया मतलब पढ़ने अब स्कूल नहीं जा रही हैं? क्यों नहीं जा पा रही हैं स्कूल? क्यों, मैंने अभी देखो अभी CUET का एग्ज़ाम दिया है और अब मेरे पास कॉलेज भरने के लिए फीस नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मी किराए का रूम देखेगी कहीं पर, रूम रेंट भी बढ़ चुका है, जैसे कि सबको पता है कि झुग्गी टूट रही है तो वो रूम रेंट भी बढ़ा देते हैं। और मेरी मम्मी के पेल में लगी हुई है तो उन्हें दर्द होता है। पापा कमाते हैं वो भी दारू पीते हैं, 300 रुपये कमाते हैं उसमें से 100 रुपये 200 रुपये पौवा पी जाते हैं। और हम इतने बड़े बड़े, मैं, मेरा भाई है, मेरी बहन है, हम 4 लोग हैं, कैसे चलेगा घर का? पहले हम बचाया करते थे, अब वो भी नहीं बचता। क्या उम्र है आपकी? मेरी 18। 18 साल की आप हैं, 18 साल से लगभग आप एक घर में रह रही हैं, और जब एकदम से आपके घर को तोड़ दिया गया उस वक्त आपको कैसा महसूस? बहुत बुरा लगा था, उन्होंने हमें इतना मार मार के भगाया, वो लोग 4 बजे ऐसे बैनर ऐसे पहन के जैसे हम आतंकवादी हैं हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि अपना घर खाली करो, भाई हमें हमारा सामान निकालने तो दो, तभी ना खाली करेंगे। उन लोग का एक तरफ खाना बनता है और एक तरफ हम लोग खाते भी नहीं, ना पीते हैं ना नहाते हैं, रोड पे ऐसे ही बैठे रहते हैं, रोड पे हम लोग को कोई खाना दे के जा रहा है, हमें कितना बुरा लगता है, भिखारी जैसी हालत बना दी उन लोगों ने हमारी। रो नहीं बेटा। एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, यार कुछ भी नहीं है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। शांत हो जाइए, अपनी बात तो कहिए, आपकी बात सुनने के लिए तो है यहाँ पे। रो मत, पहले बात कर। हाँ बेटा, हम देखो गरीब बच्चे, मम्मी पापा चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े, मजदूरी ना करें हमारी तरह, पर कहाँ ऐसा कुछ होता है, वो लोग हमारी ना सुनते। अब हमारा घर भी तोड़ दिया, मेरी मम्मी हमारा किराया देगी, थोड़ा बचाएगी या खाएगी या पिएगी, क्या करेंगे हम लोग? कॉलेज की इतनी सारी फीस है, हम लोग कैसे फीस भरेंगे कॉलेज की? तो आप देख सकते हैं जो बच्ची यहाँ मौजूद है महज 18 साल की, और कह रही है कि जब घर ही नहीं है तो हमें रेंट देना पड़ रहा है, ना पढ़ाई के लिए पैसा बच रहा है, घर नहीं है तो हमें सड़कों पर रहना पड़ रहा है। किस तरीके से पहले जो आपका जीवन था और अब के जीवन में क्या क्या बदलाव हुआ? बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। अब क्या ही बताऊँ, पहले इधर उधर अच्छे से रहते थे, बातें करते थे लोगों से, मिलते थे, अब तो कोई किसी को जानता भी नहीं है कि कौन क्या है। बेटा आपने जिक्र किया कि आप सड़कों पे रह रहे हो, 5-5 रुपए देके जो है आप ऐसे बाथरूम जा रहे हो, नहा रहे हो, जाते हैं, तो जब आप इस तरीके से सड़कों पे रहते हो तो लोग भी देखते होंगे, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता होगा। लोग देखते हैं, कोई हंसी उड़ाता है, कोई मजाक उड़ाता है, कोई 2 रोटी दे जाता है, खा लेते हैं, और क्या। तो आप देख सकते हैं लोग जो है वो सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। ये बच्ची अपनी बात कहते कहते कहीं ना कहीं इसकी दिल भर आया, ये रोने लगी, और दुख जो है वो साफ जाहिर है। प्रधानमंत्री जी बेटा कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या ना आप पढ़ पा रहे हो? बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे रोड पे बैठ रहे हैं हर रोज क्या पढ़ेंगे हमारी। कितने वक्त से आप लोग लगातार सरकार से ऐसे गुहार लगा रहे? बहुत दिनों से लगा रहे, जब से उन लोगों ने हमारा नोटिस लगाया टूटने का 19 अप्रैल से, तभी से हम लोग इधर से उधर। मम्मी पापा भी काम पे तो जाते नहीं है, पापा दारू पी के सो जाते हैं,
मम्मी इधर उधर जाती है रेलिंग में, परमिला टोकस और धीरज क्या नाम हिमानी जैन कोई भी नहीं मिलता, हमें भगा देते हैं वहाँ से डंडा मार के कि आप लोग जाओ। इतनी सुनवाई नहीं करता, कोई सुनवाई नहीं करता। इतनी गर्मी में हम लोग धूप में, आपको पता है 6 बजे हम लोग भटकते रहते हैं इतना धूप में, और शाम को जाते हैं घर पे वापसी लौट के। हमें प्यास नहीं लगती क्या? हमें भूख नहीं लगती क्या? आप अपनी बिल्डिंग में बैठी रहती हो, हवा खाती रहती हो, हमारा भी तो पूछो कि हमारा दिल क्या कहता है हमसे। बेटा आपके हाथ में क्या है, दिखाइए दर्शकों को। पुलिस के बल पर पीजी कैंप के सैकड़ों घरों को उजाड़ना नहीं चलेगा, इस तरीके की मांग लेके ये बच्ची यहाँ पर आई है। क्या दिक्कत है आपको, हमारे दर्शकों को बताइए। हमें हमारा घर तोड़ दिया गया तो उसके बदले में पुनर्वास चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर भटक रहे हैं। बहुत 1-2 महीने हो गए हम मांग करते करते, पर कोई सुन नहीं रहा हमारी। आप कह रहे हैं कि घर तोड़ दिया गया, लगातार पुनर्वास की मांग कर रहे हैं, घर क्यों तोड़ा गया? कोई तो वजह रही होगी, सरकार यूँ तो नहीं घर तोड़ देगी ना? बोल रहे हैं वहाँ पर एंड्रिया आके बस गए, बोल रहे हैं यहाँ पर हमारी वो बनेगी एंड्रिया फॉल का जो होता है ना उनका वहाँ ऑफिस बनेगा, और उन्होंने कहा कि ये देशभक्ति वाली बात है, तो हम लोग आतंकवादी हैं क्या? क्या कहा बेटा, दोबारा बताइएगा जरा। उन्होंने कहा कि देशभक्तियों के लिए है ये बिल्डिंग जो बनने वाली है, भूकंप ये सब, हम लोग क्या आतंकवादी हैं क्या? हम भी तो देश के नागरिक है ना। हाँ चलो, आप तोड़ रहे हो, आपको बनाना है सुरक्षा के वो करने के लिए, तो हमें हमारा घर तो दो कम से कम। आप भी कुछ कहना चाह रही थी पीछे से, आपने भी यहाँ पे एक पोस्टर लिया हुआ है, दिल्ली के विस्थापित गरीब मजदूरों का पुनर्वास देना होगा। क्या कहना चाहोगी सरकार से, किस तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाहो? मैं चाहूँगी कि सर, क्या नाम है बेटा? मेरा नाम कविता है, 20 ईयर्स ओल्ड। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी हमें ना पुनर्वास दिया जाए, क्योंकि अब ऐसे कब तक रहेंगे, ऐसे थोड़ी ना चलता रहेगा। हम भी तो देश के निवासी है ना, उन्होंने तो बोल दिया एनडीआरएफ वालों ने, हम तो देश की सुरक्षा कर रहे हैं, देश की सुरक्षा का मामला, इसलिए हमें यहाँ पे ऑफिस बना है। हम क्या आतंकवादी है? हम भी, हमारी भी तो रक्षा करेंगे ना, वो हम भी तो देश के नागरिक है ना। देश के नागरिक ही नहीं रहेंगे तो किसकी रक्षा करोगे? बड़े बड़े लोग तो अपने ऑफिस में बैठे हैं, क्वार्टर में बैठे हैं, ऐसी की हवा खा रहे हैं, और गरीब लोग रोडों पर धक्का खा रहे हैं। गरीबों को तो सुनो, सरकार को गरीबों की तो सुननी चाहिए ना। क्या लग रहा है, सरकार कहती तो है सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, सुन नहीं रही है सरकार? कुछ भी नहीं सुनती, बस बोल दिया सिर्फ अमीरों का विकास हो रहा है, गरीबों का कोई विकास नहीं हो रहा। गरीब सिर्फ ऐसे सड़कों पे घूम रहा है, बस अमीर रोटी मांग सकता है दूसरों से, और अमीर दे सकता है क्योंकि वो खुश है ना पब्लिक से, सरकार से। हम लोग से खुश नहीं है, हमारा घर तोड़ना चाहता है वो। देश बोलता है देशभक्ति करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो आप लोग की जो नाराजगी है ये केंद्र सरकार से है या राज्य सरकार से है, ये भी जानना चाहें? राज्य सरकार, दोनों से ही है। कोई नहीं सुनवाई कर, कोई भी नहीं सुनता हम दोनों, हम लोगों की, गरीबों की आज तक सुनी किसने? 1-2 मकान दे दीदी, बोलते रहते कि ये बीजेपी का काम है, ये आम आदमी पार्टी का काम है, टालते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं किसी भी देश का निर्माण कौन करता है, युवा करता है, और युवा जो है वो युवा पीढ़ी सड़कों पर है, लगातार ये लोग जो है मांग कर रहे हैं कि पुनर्वास देना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे जो है नारेबाजी भी हो रही है, और तमाम जो लोग हैं सिर्फ पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। जनता सड़कों पर है, ये बेटियाँ दिन रात सड़कों पर गुजारने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर हैं, क्योंकि इनके पास घर नहीं है। छत का वादा सरकार करती है मगर अब इन लोगों के पास छत नहीं है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर सरकार इनकी बात क्यों नहीं सुन रही है। हम आप तक इसी प्रकार से जनता के तमाम मुद्दे पहुंचाते रहेंगे, देखते रहिए द जनता लाइव।